आज हम बात करेंगे टॉप 10 फाइन आर्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ठीक है। एंड वो किससे रिकॉग्नाइज्ड हैं, कब इस्टेब्लिश हुए थे और स्टूडेंट्स को वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उनके एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये रिकॉग्नाइज्ड है UGC से, यूनाइटेड ऑफ ग्रांट कमीशन। इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर है। अगर हम इसके प्रॉस के बारे में बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड एंड कोलेब्रेशन विद वेरियस यूनिवर्सिटी अराउंड द वर्ल्ड। प्रेस्टिजियस मोइद्दीन अहमद आर्ट गैलरी ऑर्गेनाइज एग्जीबिशन एंड वर्कशॉप। नेक्स्ट हम बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, ठीक है। रिकॉग्नाइज है UGC से। इस्टेब्लिश हुई थी 1983 में। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर है। अगर हम इसके प्रॉस के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फोकस किया जाता है स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। 100% रैगिंग फ्री कैंपस है एंड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं LS रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई। रिकॉग्नाइज्ड है AICTE से, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इस्टेब्लिश हुआ था 1953 में। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। रेगुलर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाती हैं। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड वेल एक्यूपाइड क्लासरूम एंड लाइब्रेरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी हैदराबाद। रिकॉग्नाइज्ड है UGC से, यूनाइटेड ऑफ ग्रांट्स कमीशन MHRD से, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड AIU से, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। इस्टेब्लिश हुआ था 1940 में। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर है। सेंट्रली लोकेटेड कैंपस है जिससे स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। गुड प्लेसमेंट प्रोग्राम है एंड यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये रिकॉग्नाइज है UGC एंड AIU से। इस्टेब्लिश हुआ था 1951 में। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे है। ये BFA का बहुत ही अच्छा कॉलेज है। यहाँ पर एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास ई लाइब्रेरी है। कोलैबोरेशन है विथ मैनी गवर्नमेंट एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी एंड इंटीग्रेशन टू नेशनल एंड वेस्टर्न एजुकेशन मेथड एंड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता। रिकॉग्नाइज्ड है UGC एंड AIU से। इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर है एंड इसके प्रॉस के बारे में बात करें तो वर्ल्ड से स्टूडेंट्स आते हैं एंड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेल एक्यूपाइड क्लासरूम एंड लाइब्रेरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन वेस्ट बंगाल। रिकॉग्नाइज है UGC से। इस्टेब्लिश हुई थी 1921 में। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे है। ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है। फोकस ऑन मॉडर्न एंड कल्चरल एजुकेशन पे। PM एंड प्रेसिडेंट प्लेज एंड एक्टिव आर्ट्स पार्ट्स एंड एस चांसलर एंड वाइस चांसलर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर जे जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मुंबई। रिकॉग्नाइज्ड है AICTE से, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे है। अगर हम इसके प्रॉस के बारे में बात करें तो वेल बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही डिसिप्लिन में सब कुछ है एंड गुड प्लेसमेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसका एफिलिएशन है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। इस्टेब्लिश हुआ था 1942 में। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर है। यहाँ पे बहुत जेंडर रेशियो को बहुत ज़्यादा मेंटेन किया गया है, 1:1 है। नॉर्मली कॉलेज में ऐसा नहीं देखा जाता है लेकिन यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो सेम है एंड यहाँ पर रेगुलर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वर्कशॉप एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर डिजर्विंग स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं BHU की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। रिकॉग्नाइज्ड है UGC से। इस्टेब्लिश हुआ था 1898 में। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर है। ये इंडिया का सबसे पुराना कॉलेज है और ये BFA के लिए बहुत ही बेस्ट कॉलेज है। यहाँ पर स्टूडेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैंपस है। फैसिलिटी यहाँ पर बहुत ही कोऑपरेटिव और हेल्पफुल है। अट्रैक्टिव एग्जीबिशन हॉल है यहाँ पर।
अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।